हानिया आमिर ने एक बार फिर गाजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। जी हां नाज़रीन, पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और मॉडल हानिया आमिर ने कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स की तकरीब के दौरान गाजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। आए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। How big of an honor it is to be nominated among such talented and fashionable divas. I don't think I compare, but thank you for the recognition. I'm truly honored. And if you allow, I'd like to take a minute to remember all the people in Gaza. All of us over here have a platform. आप मशहूर हो या ना हो, आप सबका भी प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज करते हैं टू एम्पलीफाई योर वॉइस, योर इमेज, ताकि आप दूसरों तक पहुंच सकें। आई वुड वांट कि आप वो प्लेटफॉर्म यूज करें सीज फायर के लिए। हैशटैग सीज फायर नाउ शुड नेवर स्टॉप ट्रेंडिंग। सो आई वांट ऑल ऑफ अस टू डू दैट। Because we are writing the history, we're literally writing history with all of our actions, whatever we're doing, whatever we're saying. So let's be on the right side of history. And thank you so much for your time. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हानिया आमिर एक बोल्ड अदाकारा है और वो बोल्ड ड्रेसिंग करती है, लेकिन इस दफ़ा कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स के दौरान उन्होंने नहायत ही डिसेंट ड्रेसिंग की थी और उनके कोट के ऊपर फ़लस्तीन का झंडा भी लगा हुआ था, जो कि सोशल मीडिया सार्फिन को बहुत ज़्यादा पसंद आया और लोगों ने उनकी तारीफ़ें भी की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स 2024 की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें फैशन, फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ और बासलाहियत फनकारों ने शिरकत की। तकरीब में फैशन, फिल्म, ड्रामा और स्पोर्ट्स से मुंसलिक काबिल शख्सियात को उनके ज़बरदस्त काम और स्टाइल के लिए मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में हानिया आमिर को टेलीविजन की सबसे स्टाइलिश अदाकारा के अवार्ड से नवाजा गया। हानिया आमिर अपना अवार्ड वसूल करने के लिए स्टेज पर आई तो उन्होंने सबसे पहले अपने वालदेन, मद्दाहों और दोस्तों की मोहब्बत और सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया और फिर गाजा के लिए आवाज़ उठाई। हानिया आमिर ने कहा कि आज गाजा के मासूम लोगों को याद करके उनके लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ। यह हम सब के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है जहाँ हम फ़लस्तीन के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अदाकारा ने कहा कि आप मशहूर हों या न हो, मुझ समेत आप सबके पास सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम गाजा के हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए गाजा के लिए बोलें और अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। आखिर में हानिया आमिर ने गाजा में जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि आएं तारीख की दुरुस्त सिमत के साथ रहें। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।